अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी देखें, माशाल्लाह सुबह सुबह मैं आ गया अपने पोल्ट्री फार्म में। अभी सुबह 7 का टाइम है, सूरज अभी निकला ऊपर आया। अब ये देखें माशाल्लाह, मैंने जो है ना मुर्गी को बाहर निकाल दिया, खाना भी दे दिया। आज मैं आपको मुर्गी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि देसी पोल्ट्री फार्म जो है ना, उसका बिजनेस, उसका प्लान कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको आज बताता हूँ। हमारे पास ये 200 मुर्गी है जी, हमारे पास ये 200 मुर्गी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इधर बंद है छोटे चूजे, कुछ जो है ना बहर में मैंने खुला किया हुआ है, और जो कुछ है ना वो इधर बंद है छोटे चूजे। ये जो बड़ी मुर्गी है, बड़े वाले चूजे हैं, वो बहर में निकाले हुए हैं मैंने। ये देखें माशाल्लाह, एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म 200 रेंज का जो है ना मुर्गी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री रेंज की। और इसका जो है ना प्लान हमने ये बनाया, देखें हमने ये जाली लगाई और ये पूरा पर्दा लगाया, तिरपाल लिया हमने, हमारे अरबाब ने 200 मुर्गी के लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये बनाया तिरपाल, और वहाँ से जेके शबाक बनाया हुआ है हम लोगों ने। इसको रखने का एक तरीका होता है, पर वहाँ तक मुर्गी सुकून से रह सकती हैं। और हमारी ये जो जगह है ना, ये बड़ी है, क्योंकि हमारे पास 200 मुर्गी है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जगह है, बहुत ही ज़्यादा जगह है, इसमें घूम सकती है आसानी से। लेकिन इधर जो है ना 2 से 3 हज़ार तो मुर्गी लाजमी से रह सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खुला प्लाट है। वह उस पीछे से जा रहा है, ऐसे घूम के हमने ये जाली लगाई और हमने ये छोटे से पिंजरे बनाए। ये देखें, इसको जाली लगाई और ये जाली लगाई, क्योंकि इसमें छोटी मुर्गी रखने के लिए, छोटे चूजे रखने के लिए, और उसमें भी मुर्गी रखने के लिए। और ये एक बड़ा रूम है इनका जाली वाला, इसको भी अंदर में भी हमारी मुर्गी रहती हैं। हम बड़े वाले मुर्गी हम इधर बंद करते हैं। ये एक छोटी सी जगह, ये एक शुरू किया हमने, ये तिरपाल पूरा बंद किया, ये पूरा किया हमने। लेकिन यह सामान हमारे अरबाब ने ख़रीद करके दिया हमको, और ये पूरा हमने बंद किया। और इस जगह में जो है ना हमारी 2000-1500 से जो है ना मुर्गी आ सकती है इस एरिया में। लेकिन ये जो है ना, हमने मुर्गी ख़रीद नहीं किया है, मुर्गी 40 मुर्गी है वैसे, ये बड़ी है ऐसी। और इसी 30-40 के जो है ना मुर्गी ने अंडे दिया, और हमने मशीन लिया हुआ है। हमने बोला अपने अरबाब को कि एक मशीन ख़रीद करके दे हमको, हम जो है ना बच्चे निकलवाएंगे मुर्गी के। उसने हमको ख़रीद करके दिया 1000 अंडे वाली मशीन, और 1000 अंडे वाली मशीन जो है ना हमने रखी, उसमें अंडे रखते रहे उसी 25 मुर्गी के। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200 मुर्गी जो है ना हो गई है, 25 मुर्गी में से 200 मुर्गी हमारी हो गई। और पूरा काम जो है ना हम इधर ही कर रहे हैं, प्लान जो है ना हमने इधर ही बनाया। ये मुर्गी वगैरह हमने ख़रीद नहीं किया अभी भी, हमने मशीन में जो है ना अंडे रखे हुए हैं, चूज़े निकलवा रहे हैं, वो चूज़े भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर छोटे थोड़ा सा भी ऐसे बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पैसे से भी आप थोड़ी सी भी ऐसे जगह बना सकते हैं, तकरीबन आधे कनाल से भी थोड़ी जगह हो तो उसमें भी काम चलता है। आजकल तो बहुत सारे लोग जो है ना घरों के छतों के ऊपर भी जो है ना वो ऐसा छोटा सा बिज़नेस शुरू किया हुआ है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है इसका। इसमें जो है ना बहुत सारी बचत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमारे पास ये देखें, हमारे पास और ज़्यादा जब हो जाएंगी मुर्गी तो हम बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी बेच नहीं रहे। फिर जब आप लोगों के पास थोड़ा मुर्गी, पहले तो आप 50-60 मुर्गी ख़रीद कर लें, उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गी हो जाए तो फिर आप मशीन, जो ज़्यादा पैसा हो जाए तो फिर आप जो है ना एक मशीन से ख़रीद सकते हैं। 5-6-10 हज़ार तक जो मशीन मिलती है, 60-70 अंडा आ जाता है उसमें, वो आप रख सकते हैं। उससे जो है ना आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। हमने तो ऐसा किया, पहले ये शबक वगैरह बनाई, पहले हमारी मुर्गी जो है ना बहर में खुली उस मजरे में घूमती रहती थी, लेकिन फिर हमने जो है ना ये चार दीवारी है पर्दे वगैरह बंद करके इसके अंदर में रखा हुआ है। तो पहले तो आप लोगों का पैसा लगेगा, उसके बाद जो है ना फिर वो पैसा भूल जाओगे, फिर जो पैसा दूसरा आएगा इसके बचत में से, वो आप जो पहले पैसा लगाओगे वो भूल जाओगे। फिर तो आप ज़्यादा भी बिजनेस कर सकते हैं इस चीज़ का। और इस ये जैसे जाली लगाई हुई है ना, ये एक अंदर में बीच में एक छोटा एरिया हमने बना दिया, और उसमें जो है ना हमने डक्स रखे हुए हैं, वो डक्स हैं, और उसके लिए एक छोटा तालाब भी बनाया है। ये ऐसे शुरू किया जाता है, देखें
30-40 डक्स है हमारे पास। उसके लिए हमने देखें एक ये छोटी सी जगह को जो है ना बंद कर दिया और उसके अंदर में एक स्विमिंग पूल भी, उनका जो है ना एक तालाब भी बना दिया पानी के लिए। देख सकते हैं कि इस जगह में हमारे मुर्गी पहले से भी आई हुई हैं, वो देखे उधर गई हुई हैं। इधर ऐसे इस जगह में 2000 मुर्गी आ सकती है माशाल्लाह। ये देखें, ये हमने छोटे छोटे पिंजरे बनाए हुए हैं। ये एक देखें, हर चीज़ का एक प्लान बनाना पड़ता है कि ये कैसे करें, वो फिर जो है ना चीज़ हर चीज़ जो है ना दिमाग में आ जाती है कि ये ऐसे बनाना पड़ता है। ये देखें, हमने भी पहले कुछ चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब से हमने ये हमारे अरबाब ने ये मुर्गी रखना शुरू किया तो हमको हर चीज़ का आइडिया हो गया। अभी वो देखें बाहर में पिंजरे, वो हमने खुद बनाए। और इधर देखें, ये देखिए ये पिंजरे हमने खुद बनाए हैं, और ये पिंजरे भी हमने खुद बनाया। और इसमें जो है ना हमने ये देखें ये पिंजरे बनाए और इसमें देसी चूजे रखे हुए हैं। ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह, ये देसी चूजे हमने इस पिंजरे में रखे हुए हैं। ये जब भी मशीन से निकलते हैं, मशीन से निकलवाने के बाद हम इधर ले आते हैं, इधर इनको 2 महीना रखते हैं इस पिंजरे के अंदर में। आप भी ऐसी एक छोटी सी जगह में एकदम छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे वाले कुछ पिंजरे बना लें छोटे छोटे, ताकि जो मशीन से बच्चा निकले उसको जो है ना हम फिर इधर लेके आ सकते हैं। इधर मशीन के जो बच्चा निकले वो हम इस, आप ऐसे वाले छोटे से पिंजरे बना लें उसमें रख लें, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएँ तो बहर में आप एक बड़े वाला पिंजरा घर बना लें उसमें फिर रख सकते हैं आसानी से। अभी हमने ये देखो एक पलाई का छोटा सा बनाया, ऊपर भी पलाई बंद कर दिया और साइड में जो है ना पूरी जाली लगा दिया हमने, हवादार जाली है ये। और इसके इसका एक ये प्लान होता है एक बनाने का कि इसके अंदर में लाइट होनी चाहिए, जिधर ये छोटे चूजे रखते हैं ना उसके अंदर में लाइट होनी चाहिए। लाइट होगी तो सही है, क्योंकि रात को जो है ना ये छोटे चूजे होते हैं, रात को इनको भूख लगती है तो ये खाना खा सकेगा। देखिए जो मैंने जो चकोर रखे हुए हैं वो बहुत ही आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अभी मैं इनको खाना देने आया, मैंने कहा चलो आप लोगों को एक प्लान बता देता हूँ कि कैसे कैसे शुरू किया जाता है एक छोटा सा बिजनेस अपना। इसी एरिया में जो है ना ये छोटी सी एक कनाल से ज़्यादा है ज़मीन, इसी एरिया में जो है ना हमने ये छोटे छोटे पिंजरे बनाए हुए हैं, उधर इधर ये पूरे, और इधर ही जो है ना रखा हुआ है पूरी मुर्गी को हमने। पहले इधर बच्चे लेके आते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ये एक बड़ा रूम है इसमें खुला कर देते हैं, रात को इधर बैठ जाते हैं, दिन को हम बाहर में निकाल देते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं, ये पिंजरा भी देख सकते हैं आप, इसको भी हमने खुद बनाया, ये एक बहुत बड़ा पिंजरा है, इसमें भी आप मुर्गी के बच्चे हम सुकून से रख सकते हैं। लेकिन इधर हमारे मगो कबूतर और मोर हैं हमने रखे हुए हैं, खाना भी दे दिया इनको, पानी भी दे दिया। देखें अभी ये पूरे एरिया में जो है ना घूम सकती हैं। तो जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।